अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो ये प्यारा सा लुक है वो मैंने किस तरह से क्रिएट किया है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। और आप लोगों ने वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है और ताकि आपको इसका हर स्टेप समझ में आए। वैसे तो ये लुक मैंने बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट किया है, तो चलते हैं अपने लुक की तरफ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेंसेज अप्लाई कर लिए हैं ऑफ़ कैमरा। लेंसेज अप्लाई करने के बाद जब तक हमारे लेंसेज सेट होते हैं मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। और आईब्रोज़ सेट करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि मेरी आईब्रोज़ बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं, तो मैंने अपने तौर पर एक गाइडलाइन के लिए दो लाइन ड्रॉ करी हैं इस पाउडर शीट की मदद से। और उसके बाद में जो उसमें जो लाइट वाला कलर था आईब्रो किट में, और उसमें से मैं लाइट वाला कलर अप्लाई कर लूँगी। और वो जो एक्स्ट्रा बार लग गया है उसे मैं भी सेट कर लूँगी। और ये जो है एंगल ब्रश मेरे हाथ में बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं अभी इसे बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी इस पुली की मदद से। आपने इसे कॉम कर लिया आईब्रो को। इसके बाद ये उशास की कंसीलर पैलेट है और इसमें से मैं कंसीलर का शेड लेकर और अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड अपनी आईज़ पर अप्लाई किया है, वो इसलिए कि जितना लाइट शेड होगा उतना ज़्यादा कलर प्रोमिनेंट होगा, पिगमेंटेशन अच्छी आएगी। और यहाँ पर आपने बाय बाय पोर्स की का ट्रांसलूसेंट पाउडर है जिससे मैंने ये अपने आईलिड को सेट किया है बहुत अच्छे से। आईलिड को सेट करने के बाद अपने कॉर्नर्स पर टेप अप्लाई कर लेना है। टेप अप्लाई करने से आपको पता है कि काफ़ी नीट लुक आता है। यहाँ पे मैं पीच ऑरेंज सा शेड लेकर ट्रांजेक्शन कलर के तौर पर अप्लाई कर रही हूँ और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अच्छे से ब्लेंडिंग होगी तो आपका आई लुक खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगा। और तमाम कलर्स को अच्छे से डिफ्यूज़ किया करें ताकि आपका आई लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। यहाँ पर शॉकिंग पिंक जो शेड है वो मैंने अप्लाई किया है फिंगर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आपने देखना है कि कोई लाइन तो नहीं रहेगी, अगर हार्श लाइन हैं अपर लाइंस हैं तो आपने उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने मैं भी किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कॉर्नर पे अप्लाई करने के लिए पॉइंटेड क्रफी ब्रश में पर्पल का शेड पिक किया है। पिक करने के बाद इसको मैं अच्छे से आराम आराम से अप्लाई कर रही हूँ ताकि कहीं बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि जब आप कोई डार्क कलर्स अप्लाई करते हैं तो उसको आप आराम आराम से अपने ऊपर अप्लाई किया करें, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत बुरा लगने लगता है और संभलता भी नहीं है। तो बहुत आराम से अप्लाई किया करें शेड्स को। यहाँ मैं फिंगर की मदद से एक पर्पल मेटालिक सा शेड उसी पैलेट में से ले रही हूँ और अपने फिंगर में पिक कर रही हूँ। और उसके बाद टियर डक से दूर दूर आपने फिंगर की मदद से उस शेड को अप्लाई कर लेना है। और आपने शेड अप्लाई करने का ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि वो बुरा ना लगे और अच्छे से सेट हो जाए तमाम कलर्स के साथ। यहाँ पर मैं मिस्टर रोज़ का पर्पल कलर का ग्लिटर ले रही हूँ फिंगर से, मैंने उसे अच्छे से अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेकर ही उसको आपने स्प्रेड कर लेना उस एरिया में जहाँ पे आपने पर्पल मेटालिक शेड लगाया है। और उसके बाद आपने देखा पर्पल पे पर्पल पिगमेंट इतनी ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट नहीं होती, तो मैंने उसी में ब्लू कलर का ग्लिटर मर्ज कर दिया और उनको अच्छे से फिंगर से मिक्स कर दूँगी ताकि एक मल्टी सा कलर नज़र आए और बहुत प्यारा लगे। तो इन दोनों कलर्स को मर्ज करने का मैंने कॉर्नर्स को एक दफ़ा फिर डेप्थ दी है ताकि जो भी शिमर अप्लाई करते वक्त जो भी हमारा शेड डल हो गया वो ठीक से प्रोमिनेंट होने लग जाए। तो यहाँ पर मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। जेल लाइनर जो है उसका मुझे नाम नहीं पता। जेल लाइनर जो है आपने जेल लाइनर अप्लाई करना है, मार्कर लाइनर अप्लाई करना है, केक लाइनर, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर मैं लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से लाइनर अप्लाई करना है। टेप लगाने से सबसे ज़्यादा जो बिगिनर्स को सहूलत होती है वो ये होती है कि आप टेप लगाने से आपका लाइनर जो है वो स्मूथ नज़र आता है। और उसके अलावा आपने देखो टियर डक को भी अपने हिसाब से अपने मुताबिक जिस तरह का भी आपने शेप देनी है। यहाँ पर मैं मेबेलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर लूँगी और उसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने अंडर आइज़ को सेट कर लूँगी, कंसील कर लूँगी और उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करके पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश में पर्पल सा शेड लिया है और पर्पल सा शेड पिक करने के बाद उसको अच्छे से अंडर आइज के नीचे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद आपके सामने है सारा लुक। इसके बाद मैं कॉर्नर को फिर से डिफ़ाइन कर रही हूँ। कॉर्नर को अच्छे से डिफ़ाइन करने के बाद
मैं यहाँ पर रिमल की नोट पेंसिल ले रही हूँ अंडर आइज़ में अप्लाई करने के लिए। मैं अपनी वाटर लाइन पे रिमल की पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी अच्छे से अप्लाई करी है। इसके बाद सिल्वर डस्ट ली है मैंने अपनी ब्रोबोन और टियर डक को हाईलाइट करने के लिए। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, मीन्स हाईलाइटर, कोई भी हाईलाइटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डस्ट ली है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं। आप भी चाहें तो कोई भी मस्कारा जो आपको पसंद हो और आपकी लैशेस के हिसाब से आपको सूट करता हो, आपने वो ले लेना है। ऊपर वाली लैशेस का तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो तो हम फेक लैशेस से भी कवर कर लेते हैं, पर लोअर लैशेस का ज़्यादा मसला होता है। तो वहाँ पर मस्कारा बहुत अच्छे से अप्लाई किया करें, दोनों लैशेस पर अच्छे से अप्लाई किया करें। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अभी लैशेस लगा कर आती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ़ाइनल लुक। तो लैशेस मैंने लगा ली हैं और ये है मेरा फ़ाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा और ये लुक आपको मेरा कैसा लगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।